आज हम बनाते हैं मैंगो हलवा। मैंगो हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप शक्कर, 1 कप घी, 1 कप मैंगो प्यूरी, ये 10-12 बादाम है जिसे मैंने ब्लांच करके उसका छिलका निकल के लिया है और बारीक कट करके लिया है, और 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर है, और 1.5 कप दूध है जिसे हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। आइए मैंगो हलवा बनाना शुरू करते हैं। मैं गैस को ऑन करती हूँ। पहले हम घी डालेंगे, कि मुझे आधे से ज्यादा घी यूज करना है। घी आज अब हम इसमें डालते हैं सूजी। ये मैंने बारीक वाला सूजी लिया है, आप थोड़ा जाड़ वाला भी ले सकते हो। अब हम सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये थोड़ा घी मैं और डालती हूँ उसमें। सूजी का हम उसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, उसका अच्छा स्मेल भी आना चालू हो गया है। अब हम उसमें 1 कप मैंगो प्यूरी डालेंगे। मैंगो प्यूरी को डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। गैस इसे कम कर दिए। चुका है जी, अब हम इसमें दूध डालते हैं। दूध हम जरूरत डालेंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही डालेंगे। को हमने अच्छे से बॉईल करके लिया है। आराम 1.25 कप दूध मैंने यूज किया है। अब मैं इसमें ये इलायची का पाउडर डालती हूँ। इलायची का पाउडर ऑप्शनल है, मैंगो का ही फ्लेवर चाहिए पूरा, तो आप इलायची का पाउडर मत डालिए। अब हम इसमें शक्कर डालते हैं। ये 1 कप शक्कर मैंने लिया है जो मैं इसमें डालूंगा। यह शक्कर अभी इसमें मिक्स कर रहे हैं। शक्कर को पूरी तरह से सूजी में मिक्स करना है, शक्कर के पिघलने तक उसको रखते हैं। अब हमारा घी ऊपर आ चुका है, मैंगो शिरा बन चुका है। हम उसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। हमारा मैंगो शिरा बहुत ही अच्छा बना है, आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। ये हमारी मैंगो हलवे की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। हमारा मैंगो हलवा बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।